बच्चे बड़े और बूढ़े सबने एक चीज तो जरूरी पढ़ी होगी। पूछो क्या? अरे पूछो पूछो। ए बी सी डी ई नहीं, आ, आ, ई उ, उ, ओ, भी नहीं। वन टू का फोर, फोर टू का वन, माई नहीं, उसकी बात भी नहीं कर रही मैं। प्रेम पत्र आई मीन लव लेटर की भी बात नहीं कर रही। सोचो सोचो मैं किसकी बात कर रही हूँ। अरे बताती हूँ, पंचतंत्र। पंचतंत्र सबने पढ़ा होगा कि नहीं? हाँ तो मैं पंचतंत्र की बात कर रही हूँ। पंचतंत्र की कहानियां तो हम सबने पढ़ी है, पर कभी सोचा है आपने कि ये आई कहाँ से है? अरे वही तो बताने में आई हूँ आज। पंचतंत्र पांचवी और छठी सदी में लिखा गया था। इसमें कला, नैतिक ज्ञान, राजनीति और कूटनीति सबका मिश्रण मिला के कहानियां रची गई है। इनमें से एक कहानी मैं लेके आई हूँ कि पंचतंत्र की कहानियों की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। यह है बहुत समय पहले की बात। एक था राजा और उसकी थी रानी। तीन राजकुमार और एक शेर, तो दूसरा सवा शेर और तीसरा ढाई शेर। ताकत में नहीं, बुद्धिमता में नहीं और कला में तो एकदम नहीं, बेवकूफी में एक से बढ़कर एक। बोला था ना, एक शेर तो दूसरा ढाई शेर। वो ढूंढे आम के पेड़ में जामुन और जामुन के पेड़ में बेर और अमरूद के पेड़ में आम। कहा था ना, एक शेर तो दूसरा सवा शेर और तीसरा ढाई शेर। वो पूछे, लौकी कौन टांग के जाता है? लौकी? पापा पापा, पत्थर कैसे गिरते हैं? पापा पापा, संगीत का कैसे गाते हैं? ओफो, वो पूछे ऐसे सवाल कि राजा के मन में कर दे बवाल। वो खाए गुठली और फेंके आम, ऐसा कभी कोई देखा है भाई? उनकी बेवकूफी की तो हद ही थी। एक दिन राजा ने बोला, जाओ नहाओ, तो पूरे दिन से लेकर रात हो गई, वो लोग नहाते ही रह गए। और राजा ने पूछा, इतनी देर तक क्यों नहा रहे थे? तो उन्होंने बोला, क्योंकि आपने ही तो नहाने को बोला था, उसके बाद क्या करना है हमें पता ही नहीं था। ऐसे ही एक बार और तलवारबाजी के लिए राजा ने बोला, जाओ अपनी तलवार देखो। वो गए अपने कक्ष में और तलवार देखने लग गए। जब बहुत देर तक वो वापस नहीं आए तो राजा गया उनके कक्ष में और पूछा, तुम लोग यहाँ तलवार लेके क्यों बैठे हुए हो? तो उन्होंने बोला, क्योंकि आप ही ने तो कहा था कि तलवार देखो, तो हम तलवार देख रहे हैं। ऐसा देखकर राजा दुखी हो जाता और सोचता, ये राज और मेरे सर का ताज, मेरे मरने के बाद दोनों ही जाने वाला है। अरे फिर एक दिन राजा के द्वार में एक ब्राह्मण, एक पंडित जी आए। Mm-hmm.
नाम अपना विष्णु शर्मा बतलाए। बोले, ओ मेरे बलवान राजा, मैं हूँ एक बोला ब्राह्मण, बोर हो रहा हूँ मैं काम बिन। यू सी इट्स बोरिंग विदाउट वर्क। बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल आप लोग लॉकडाउन के टाइम पे टाइम गिन रहे हैं ना, वैसे ही हमारा ब्राह्मण भी बोर हो रहा था। तो अगर कुछ काम है तो बता दीजिए, मैं आपके काम आ सकूं तो बहुत अच्छा होगा। तो राजा ने बोला, मेरे पास कुछ काम नहीं, तुम कुछ भीख ही ले लो। तो उसने बोला, ना ना मैं नहीं लूंगा भीख, उसके बदले तो मैं दे दूंगा तुम्हें कुछ सीख। तो राजा थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया और बोला, एक्सक्यूज मी ब्राह्मण, तुम्हें क्या चाहिए? तो ब्राह्मण बोला, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, है? भगवान का दिया, मेरे पास सब कुछ है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास तो ज्ञान और विद्या का भंडार है और उसको मैं जितना बांटूं उतना बढ़ता जाए और जो ना बांटूं तो घट जाए। इसीलिए राजा मैं आया तेरे द्वार, अब तुझे समझ आया मैं क्यों आया? राजा बेचारा कंफ्यूज आ गया। ये बंदा तो दिखता है भिखारी, पर खुद को बोले भोला ब्राह्मण भंडारी। बोला, हे स्वामी मुझे बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं पूरा कंफ्यूज ही आ गया हूँ। आपको मुझसे कुछ चाहिए या मुझे आपको कुछ देना चाहिए, या आप मुझे कुछ देने वाले हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ब्राह्मण बोला, नहीं मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं यहाँ क्यों आया। कल सुबह की बात है, मैं जंगल में घूम रहा था। यू सी आई वॉज जस्ट चिलिंग आउट। तो मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन राजकुमार घोड़ों पे आके हुए देखा। तबड़क 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 तबड़क, और आकर वो तालाब के पास रुक गए और उन्होंने कपड़े निकाले जैसे कि वो तालाब में स्नान करने जा रहे हो, पर वो पानी में उतरे ही नहीं। वैसे ही बच्चों, जैसे आप सुबह नहाने से कतराते हैं ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी। अरे स्टोरी बताओ। ओ सॉरी, मैं ऑफ ट्रैक चली गई थी। ओके मुझे क्षमा कर दीजिए। हाँ, तो युवक पानी में नहीं गए और खुद की परछाई को रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के धोने लगे, वो भी बिना पानी के। और फिर दूर एक तरफ आग लगाया, क्योंकि उन्हें बिना पानी के भी इमेजिन कर रहे थे कि पानी लगा रखा है। और फिर वापस आकर वो बैठ गए और ठिठुर गए ठंड के बारे में सोच कर ही। और फिर एक ने बोला, हम पत्ते से सुखा देते हैं। अरे नहीं, हम धूप से सुखा देते हैं। अरे नहीं, हम मिट्टी में लेट लेते हैं। अभी तुम लोग बोलोगे, यक मिट्टी में कौन लेता है? पर बेटा उस समय प्रदूषण नहीं होता था, मिट्टी भी साफ होती थी। तो आखिर में वो तीनों धूप में लेट गए और घंटों लेटे रहे। और राजा वो युवक और कोई नहीं, तुम्हारे ही राजकुमार थे। अब समझा मैं क्यों आया। हे भगवान, इतने बुद्धू राजकुमार का मैं करूं भी तो क्या करूं, मेरा राजपाट सब चौपट हो जाएगा। हाय,
अरे पंडित जी मुझे बचा लीजिए, अरे मेरे बच्चों को कुछ ज्ञान दीजिए, उन्हें बलवान बनाइए, विद्वान बनाइए, बुद्धू से बुद्धिमान बनाइए, प्लीज यू हैव टू डू समथिंग। तो उन तीनों युवक को लेकर विष्णु शर्मा जंगल चले गए और हर दिन उन्हें कहानियों की मदद से कुछ न कुछ नया सिखाया और उन्हीं कहानियों पर 5 किताबें लिखी गईं और उन 5 किताबों को पंचतंत्र कहते हैं। अब समझ आया किसने पंचतंत्र रचाया? मम्मी। ओ चलो मैं चलती हूँ भाया, क्योंकि बच्चों ने जो बुलाया, चलो बुलावा आया है, मेरे बच्चों ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी, माता दी।